जेई की तैयारी 2 साल पहले शुरुआत की थी और मैंने आकाश बैच उसमें 11 से पढ़ना शुरू किया। मैंने यहाँ पे हर एक टेस्ट दिया जिससे काफ़ी हेल्प मिलती थी और इनका जो मटेरियल होता है उसे थोरोली सॉल्व किया और जो भी गलतियाँ होती थी टेस्ट में उन्हें रिव्यू करा और जो भी हमारे सर ने हमें गाइडलाइंस दी उन्हें फॉलो किया। इस प्रकार बेटा कितने घंटे की पढ़ाई करते थे, कितना क्या रहा? ऐसे घंटे का तो नहीं होता था पर जितना भी काम मिलता था वही पूरा करता था और अगर टाइम एक्स्ट्रा मिलता था तो थोड़ा बहुत बुक्स और सॉल्व कर लेता था जिस जो भी चैप्टर्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें। बेटा जैसे सभी बच्चे मतलब एंथ दे सकते हैं उससे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और दूसरा अगर बुक्स को आप पढ़ लो तो और PYQs कर लो तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। एक्चुअली इसमें मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, जो 1 से 8 ईयर होता है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, उसमें क्या है कि बच्चे को 15% से या 25% से 100% तक अचीव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन उनका जो भी स्कोर है। तो जो आपने सही बात बोला, काफ़ी बच्चे हर एक तबके के आते हैं, किसी के रिक्वायरमेंट कोई अफोर्ड कर पाता है कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, और प्लीज़ समझिए कि अगर क्वालिटी प्रोवाइड करनी है वो भी उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो आसान से वो उसमें फिर पैसा भी लगता है। तो इसी वजह से हमने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जो नीडी बच्चे हैं वो अपना उसमें अपेयर कर सकते हैं और जो उनकी मेरिट के हिसाब से उसी हिसाब से उनको फीस उनके हिसाब से, इवन जो टॉप 5 बच्चों को हम नासा का ट्रिप भी हम प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका होता है। मैंने आकाश बैजूस में ही 2 साल पढ़ा हूँ, उससे पहले मैं अपने जो यहाँ पे स्कूल्स होते हैं उसमें ही पढ़ाई करी थी और मेरे जेई एडवांस में 227 मार्क्स है 360 में से। जेई मेंस में भी आपका में बहुत अच्छा आया रिजल्ट। जेई मेंस में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.96% आई थी और मार्क्स 267 थे 300 में से।